हेलो गाइस यार ब्लॉग शुरू शुरू है आगे यार पूजा आप दिखा ना आप दिखा चल मार दे फाइनली ये हमारा स्कूल यहाँ से शुरू होता है यहाँ से शुरू होता है गाइस देख लो गाइस ये जो कॉलेज स्कूल है कहते हैं ना कि यहाँ कॉलेज बड़ा है कॉलेज तो बहुत छोटा लगता है 100 एकड़ का स्कूल है जो पे है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ये मुझे ज्यादा फैसिलिटी लग रहा है ये वही जगह जहाँ पे सरेश क्वार्टर्स में रहता था क्या लेता था क्वार्टर में रहता था ड्राइविंग पे ध्यान दे ये वो स्विमिंग पूल है जो पिछले 200 सालों से बनी रहा है क्योंकि इसके नीचे कब्रिस्तान था यहाँ पे कुत्ते चलाए जाते थे पता नहीं इसलिए इसकी कंस्ट्रक्शन होती रहती है ये गेट देगा BSF का BSF का गेट जंगल में जाते हैं जो खड़े हैं ऊपर चल बैक सब स्कूल के अंदर आ गए मैगजीन चेकिंग ये जस्ट इमेजिन ये सिर्फ स्विमिंग पूल है इतना ये हॉकी ग्राउंड है ठीक है ये टाइम पास ग्राउंड है हॉकी ग्राउंड इसके सामने वाला है ये तो टाइम पास के लिए है बस ऐसी जगह छोड़ रखी है ऐसे ही मतलब बिना किसी मतलब के सामने क्रिकेट ग्राउंड है पूरा नेशनल लेवल क्रिकेट स्टेडियम है चल सारा इन स्टोरी नहीं की चीज ये फुटबॉल ग्राउंड है जवाक में वो हॉकी ग्राउंड है किसी बच्चे को पकड़ के उसकी स्कूल ड्रेस तो दिखानी है हाँ वो छोटे बच्चों को पकड़ के ये हैंडबॉल ग्राउंड है ये देखो गाइस NIT वालों देखो सालो नेट भी होते हैं क्रिकेट ग्राउंड में नेट भी लगाने होते हैं 1 करोड़ की पिच बनी थी आपको पता सामने देखो तालाब पॉन्ड यहाँ पे लगा यहाँ पे लगा यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे कपल्स बैठते थे इन सीटों पे छोटे छोटे बच्चे इतनी खड़ा थे AC धोए जा रहे हो वहाँ पे कॉर्नर पे हमारी क्लास होती थी किसी टाइम पे वो कॉर्नर वाली क्लास हमारी होती थी पहले बाथरूम अभी बॉयज ही है ना बाथरूम चलते ना वो पहला मुँह तो लेना है ये वो यूरिन क्लास था जहाँ पे हम बाथरूम करते थे मैं कल भी आया था फैक्ट्री वाले दिन मुझे याद है नाम चेंज हो गया पहले 12th नॉन मेडिकल ए होती थी ये मेरी क्लास है इसी स्टेज पे मैंने अपनी टीचर्स की मिमिक्री की थी मेरे को याद है यहाँ पे हॉस्टलर बैठती थी एक वो हम पीछे बैठे होते थे इन सीटों पे बैठते थे हम ये सारी सीटें ज्वाइन कर देते थे होते इन सीटों पे हम बैठते थे ऐसा लग रहा है जैसे वो फील नहीं होती जब हम नई क्लास में आते हैं जैसे हम 10th से +1 में आए थे +1 से +2 में आए थे नई क्लासरूम में शिफ्ट हुए थे कुछ बच्चे शफल हुए थे वो नई सी जो फीलिंग है ना वैसी फीलिंग आ रही है जब AC होता है दो AC है गाइस एक यहाँ पे एक वहाँ पे सलेश मेरी क्लास में नहीं होता था ये मैं बी में होता था ये मैं ए में होता था ये बी में होता था क्योंकि एक कम नहीं थोड़ा सा कमजोर था मतलब कि 1-2% से कम था मुझसे
इसी क्लास में मैंने ऐसे नीचे मुँह करके एक एक मेरे को याद है मैं उस सीट पर बैठ नहीं इसी इसी सेकंड लास्ट में इधर था मैं इस साइड था इधर बैठा था अरविंदर और जब हमारे फिजिकल एजुकेशन वाले सर आते थे तो जैसी क्लास में हमारे कोऑर्डिनेटर भी क्लास में आते थे मैं पीछे नीचे रुक जा बता रहे होते मैं जैसे हमारे फिजिकल एजुकेशन वाले सर जो हमारे कोऑर्डिनेटर है वो आते थे मैं लड़की की आवाज़ में बोलता था सर गेम्स तो याद है पूरी क्लास में टेंशन कर दिया था गेम्स गेम्स बोलेगा सर गेम्स और एक बार उन्होंने पकड़ लिया था मेरे को बहुत गंदा पकड़ लिया था या फिर यार लगे होते थे चार्ट वगैरह लगे होते यहाँ पे लिस्ट लगी होती थी कि प्री बोर्ड्स में किसके कितने नंबर आए ये लेक्चर स्टैंड भी मैंने यूज़ किया था मिमिक्री के लिए मेरे को याद है जीवन सर की कर रहा है राकेश धवन की एक्टिंग पीटी वाले सर ना जीवन सर अच्छा फिजिक्स वाले अगे तो आए कुड़िया वाल तो गल कर सर राउंड पे सर राउंड सामने क्लास में अभी भी सामने क्लास में अभी भी लड़कियां बैठी हैं अभी भी हमें लड़कियां दिख रही हैं और एक बात तो है हमारे स्कूल की लड़कियां हमारे कॉलेज से अभी भी लाख गुना अच्छी आ रही है शर्म करो NIT वालों शर्म करो ये देखो गाइस हमारी जूनियर्स के बैच की फोटोज भी लग गई हमने पेपर दिए हैं फिर भी 95% लेते रह गए हमारी फोटो नहीं लगाई लॉकडाउन आ गया तो हमने पेपर दिए ना तो पेपर भी दिए दीदी ने मेरे से 2 साल पहले प्लस टू की थी उसकी फोटो अभी भी लगी हुई है यहाँ पे लेकिन हमारी नहीं लगाई उन्होंने क्लास मेरी प्लस वन में होती थी प्लस वन ए नॉन मेडिकल याद हूँ फेवरेट सर मैं लास्ट पे बैठा था हम वहाँ से ऐसे आई कार्ड से ना और घड़ी से रिफ्लेक्शन डालते होते थे टीचर जो भी पढ़ा रहा होता था उसके ऊपर उन्होंने एक बार पकड़ लिया था मेरे को यहाँ पहले भी बिठाया था और यहाँ पे मैंने पहला थप्पड़ खाया था प्लस वन का इतने प्यारे सर से भी थप्पड़ खा लिया था मैंने बायो लैब है ना म्यूजियम इसी में सांप वगैरह रखे इधर वो स्केलेटन होएगा मोरिया पिछली व्लॉग में भी था फोटो में आया था वाओ स्कूल ड्रेस आही है नहीं वो ब्राउन वाली है आज सी क्लास होती सी इस क्लास चल रही है जी कौन सी क्लास है बेटा हेलो हेलो गाइस नहीं 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 देख रहा है वहां से बड़े तो अपने यहाँ गार्डन है ये कुछ नया है यहीं में हमारी 6-7 हुआ था यहीं पे वो लड़की किस करती हुई पकड़ी गई थी देख रहे हो गाइस ये होती है बिल्डिंग इसे कहते हैं बिल्डिंग वो जो टूटी फूटी है उसे थोड़ी कहते हैं जो हमारी मेन बिल्डिंग से तो सुंदर ये है चल अगे अगे चल किंडर गार्डन देख रहे पीछे बुला रही गेट कीपर यहीं पे आने को मैं रोया करता था ना
सामने पॉन्ड है, ये जूनियर सेक्शन है, यहीं पे हर सेक्शन के वो बनते थे ना लास्ट डे। हाँ लास्ट डे वाले दिन 15 की बैठी मिलती थी, वैसे नॉर्मल डेज पे 10 की। सबकी बर्थडे पार्टी आप ही हुई है, मतलब ये पैटियाँ खा के हुई है। हमारे पास पैसे नहीं है पैटी खाने के, अभी पता अभी भी नहीं है, चला जाए खाएँ फिर। गाइस ये वही तालाब है जिसमें कहा जाता था कि इसमें मगरमच्छ है, मैंने सूखा हुआ भी देखा है, बतख तो है इसमें यार। छोटे होते की क्लास है जूनियर्स की, और वहाँ पे दिख रहा होगा आपको हमारा प्लस वन प्लस टू वाला सेक्शन वहाँ पे, वाइट वाला। हाँ थोड़ा ज़ूम करके दिखाना है ऐसे, वहाँ से भी तालाब दिखता है ये अभी, और ये बतख सेक्शन यहाँ पे हम पढ़े नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अभी ये नया ही बना है, क्लासेस चल रही है इसके अंदर, बाहर से लग रहा होगा कि बना नहीं है। मैं बताता हूँ यहाँ पे हमारी थी 9th 10th वाली क्लासे भी आसपास लग चुकी है हमारी, तो जब चॉकलेट डे होता था ना, चॉकलेट डे वगैरह ये सब जो अभी दिन चल रहे हैं, तो चेकिंग हो जाती थी सभी बच्चों की, तो इसके खिड़कियों के बाहर से भी चॉकलेट फेंक देते थे, और यार नीचे ढेर लग जाता था चॉकलेट्स का। इधर अब वैलेंटाइन वीक आ रहा है, सिलेश अपने वैलेंटाइन का किस्सा सुनाएगा स्कूल का। कौन सा कौन, ये कॉन्फिडेंस चाहिए, ये कॉन्फिडेंस चाहिए, सुना कोई भी कुछ भी बना दूंगी। तेरे को स्क्रिप्ट दी तो थी यार, याद नहीं करके आया। तो ये गाइस बात है 12th की, 12th में इस टाइम तो हमारे पेपर की तैयारी चल रही है, तो अब फोन हुआ करता था वो लड़कियां फोन करती थी है ना, चिट्ठियां चिट्ठी लव लेटर नहीं करते थे, फोन तो जियो वाले थे वो उस टाइम, चिट्ठियां फिर हम मना करते यार, हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, हमें 12th की घर वालों के सपने पूरे करने हैं, तो यही है ऐसा ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही कुछ था ना स्क्रिप्ट में, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसा। तो कुछ नहीं यार, उसने फिर मैसेज किया कि मिलना है, मिलना है कॉफी क्वेश्चन मार्क, कॉफी क्वेश्चन मार्क, ये पर्सनल था, कुछ बीप लगा दी उसके बाद, उसके बाद बाकी भी देखते हैं। अरे हमारे स्कूल में ग्लैमर ज़्यादा है NIT, ये कितनी बार बोल चुका है, ग्लैमर दिखाना पड़ेगा तुझे, ऐसे NIT वाले मानेंगे नहीं, कोलैब कर ले। ये गोल सर्कल यहाँ पे सब ने गुलाटियाँ मारी, ऐसे पूरा भाग के पूरा भाग के जाते थे, कौन इस पर गोल गोल घूम सकता है, यही चैलेंज होता था। वैसे फांसी के ऊपर जो यहाँ से ऊपर जाके एक कैंटीन है, वहाँ पे मैगी मिलती है, और वो बहुत बड़ी बात होती थी छोटे होते। क्या प्राइमरी सेक्शन कहते हैं क्या? हाँ ओ वहाँ पे ये यहाँ पे पूरा एग्जामिनेशन हॉल है 10th तक का, और प्लस वन प्लस टू का उधर ही था हमारी बिल्डिंग में, बहुत बड़ा। ओए ओ सामने आ गया, वो टकला किस्मत देख, TVS जो हमारा ड्राइंग वाला सर है सामने आ रहा है ना। ये हमारी डांस क्लास होती थी ये वाली, और बाकी प्राइमरी सेक्शन आ गए, एक्टिंग म्यूजिक सब यहाँ पे क्लासेस हैं। छोटे छोटे बच्चे देख लिए TVS? हाँ देख लिया। TVS के फुल फॉर्म थी टकला वेरी स्ट्रिक्ट, हमारे ड्राइंग वाले सर थे टकला, टकला वेरी स्मॉल, यहाँ भी हमारी क्लास से रह चुकी है। पता लेकिन पता हमारा सारा उधर उधर जाते हैं, देखो साधु NIT वालों देखो, बच्चों को अभी डांट पड़ रही है याद आ गई। ये जो टकला ने हमारा बचपन पूरा खराब कर दिया था, पता ये नहीं है वो नहीं है, ड्राइंग फाइल नहीं है, करे वो नहीं है, घर पे घर ये नहीं है। पहली बार किसी टीचर ने मेरे घर पे फोन किया था ये था, और मेरे को घर पे जाके मार पड़ी थी। एक बार मैं स्कूल में पोटी कर दी तो घर पे इतनी मार नहीं पड़ी थी जितनी ड्राइंग फाइल ले जाने पे। हाँ कि ड्राइंग वाले सर ने घर पे फोन कर दिया कि आपका लड़का फाइल नहीं लेके आया फर्स्ट क्लास में, वो भी अरे पार्क चलते हुए। यहाँ पे एक छोटा स्विमिंग, अबे अभी भी है, अभी भी है ये स्विमिंग पूल है यहाँ पे, ओ यहाँ पे मेरी फोटो है पता, ये फाउंटेन के पास बिल्कुल छोटे छोटे सभी प्रेपन प्रेपन टू में होते थे पूरी क्लास, सभी नंगे पुंगे बन के यहाँ पे आ रखे होते थे, और याद है जिसको जिसने अंडरवियर नहीं पहना होता था ना उसको यहाँ घुसने नहीं देते थे। हाँ। वो तो ही था क्या? नहीं मैंने पहना होता था, पर मेरे को तौलिया लपेट के चेंज करना नहीं आता था उस टाइम, तो फिर उतार के तौलिया लपेटते थे सबके सामने। यहाँ पे भी खेल चुके हैं ना, ऐसे गोल गोल छोटे बच्चे बैठे होंगे ना, वही क्लास में नहीं जा रहे वीडियो बनाते हैं। जब प्लस वन प्लस टू में था ना, हम ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, और इस बिल्डिंग्स के अंदर हम छुपते होते थे पता, अंडरग्राउंड भी है इसमें काफ़ी।
जगह जहाँ पे असेंबली हुआ करती थी और यहीं पे पार्ट हुआ करता था अपने 12th के एग्ज़ाम से पहले, हर एग्ज़ाम्स के पहले ना। हाँ तब यहीं पे बच्चे गिर जाया करते थे प्रिंसिपल की स्पीच पे, यहीं पे शिवा ने वो योगा वाला परफॉर्म किया था। उसके बाद तो लाला लाला हो गई थी पूरे कॉलेज में, स्कूल में सॉरी, कि शिवा ही कर सकता है बस योगा। यहीं पे बैठ के मैंने गाना भी गाया था। एक बात है, OAT से बोलो जल्दी आ। OAT से लाख गुना बेटर है स्टेज पे। ज़्यादा आर्टिस्ट आ चुके हैं, ज़्यादा आर्टिस्ट बन चुके हैं स्टेज से, इस ग्राउंड से, इस ऑडिटोरियम से, जो भी कहते हैं इसको। वो पीछे एग्जाम चल रहे हैं। मैं मिल रहा हूँ इससे ज्यादा लेट, तू हट जा, तू कैमरा पकड़ा। ये देखो ये बनाएंगे ब्लॉग में, चुप यार, फेक देखो लंबी हाइट के मेरा बेटा लग रहा है। ये लौंडा भी बहुत दिल के करीब है गाइस, इसको भी बहुत ज्यादा प्यार दो आप लोग यार। ये नहीं डालेंगे, कट कर इनसे मिलकर मेरे को बहुत मजा आया, नहीं तो साला मैं डिप्रेशन में चला जाता। ये देखिए सकल, देखो ये सब थोड़ी दिखाते हैं व्लॉग में डिप्रेशन। मां चुदा है पर ये गद्दारी कर बे, तेरी बहन के चुदम गद्दारी कर बे, यही बना है इसे बुलाई। इसको मैंने सिखाई है, पहले बता रहा हूँ, बाइक मैंने सिखाई है, फिर नहीं मैं इसके पीछे बैठ रहा। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का, कुछ रहा कर यार, कुछ नहीं होता, खुश रहे भाई, एंजॉय कर, खुश रहो, तुम लोग एंजॉय करो, व्लॉग देखते रहो। हम तो करवा रहे हैं, बताओ यार चैनल को क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कराओ थोड़ा इनके चैनल को भाई, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, पहले तो इनके इंस्टाग्राम को फॉलो करो, शेयर करो, सब करो। किसी ने नंबर बढ़ाने तो बता दो गाइस।